अस्सलामुअलैकुम, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं फरीद अहमद, आप देख रहे हैं गर्लफ्रेंडिंग इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रामनवमी और रमज़ान मुबारक महीना चल रहा है, तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है सबका। और सभी को मुबारक है कि रामनवमी मुबारक हो और रमज़ानुल जो महीना चल रहा है, रमज़ान का महीना, सबको मुबारक हो। उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ भी रहें अच्छे से रहें, खुश रहें। और आज एक वीडियो बना रहे हैं हमारे सर के साथ में, और प्रैक्टिकल फील्ड में हमारे पास में जो वीडियो बन रहा है, ये बहुत अहम वीडियो है, जो कि खास करके लड़के इसी को ज़्यादातर सीखने आते हैं। तो ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है कि हर वो बंदा अगर चाहेगा कुछ काम करने के लिए इंडिया में या गल्फ में, तो ये आराम से स्ट्रेट को सीख भी सकता है, आराम से बाहर भी जा सकता है। सीखने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे का जरूरत नहीं है, अगर क्वालिफाइड हैं भी चलेगा, नहीं भी क्वालिफाइड हैं तो चलेगा, मैट्रिक अंडर मैट्रिक भी हैं तो आपको इसको सीख सकते हैं। आइए चलते हैं, सर से जानते हैं कि किस तरह का लड़के यहाँ आते हैं, किस तरह का वो ट्रेनिंग देते हैं, थ्योरी में क्या बताते हैं, प्रैक्टिकल में क्या करते हैं, किस टाइप के लड़के आते हैं और लड़के ट्रेनिंग के बाद वो क्या करते हैं, आइए देखते हैं। हेलो सर, नमस्ते। ये है माधव सुकाई, तारीफ है इनकी कि काफ़ी दिन से गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सेवा कर रहे हैं और काफ़ी लड़के को ट्रेनिंग करा करके बाहर भी भेज सकते हैं, गल्फ विदेश में जाके काम कर रहे हैं। और जानेंगे सर से कि माधव सुकाई सर से जानेंगे किस तरह का लड़के यहाँ आते हैं, किस तरह का ट्रेनिंग आप देते हैं। सर बताइए कि लड़के जो आते हैं किस टाइप के लड़के आते हैं, किस कैटेगरी के लड़के यहाँ आते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। सर दो तरह का स्टूडेंट आता है, कुछ आता है कि मैट्रिक पास इंटर पास स्टूडेंट आ रहा है पाइप फिटर लाइन में, फिर कुछ ऐसे भी है कि 6, 7, 8 पास भी स्टूडेंट आता है, क्योंकि ये एक ऐसे जॉब है पाइप फिटर जिसमें कंप्यूटर लिखाई भी काम जॉब कर सकते हैं। इस बेस में हम लोग यहाँ गर्ल्फ ट्रेनिंग स्टूडेंट ट्रेनिंग देते हैं जी। इसमें इतना जॉब वैकेंसी आता है विदेश कंट्री से, ज्यादा तो गल्फ कंट्री से बहुत पाइप फिटर का मांग होता है, तो पाइप फिटर का ज्यादातर मांग रहता है। बहुत उसमें जॉब लड़के भी सीख सकते हैं, अंडर मैट्रिक मैट्रिक लड़के भी सीख सकते हैं, नॉन मैट्रिक मैट्रिक भी सीख सकते हैं। ये उतना हार्ड जॉब नहीं कि बहुत ज्यादा लिखाई पढ़ाई का जरूरत पड़ता है, इसमें हैंड स्किल का जरूरत पड़ता है, कुछ प्रैक्टिस कर लेगा तो हो जाता है सारा चीज। तो थोड़ा सा जानेंगे कि लड़के जो आप जो थ्योरी पढ़ाते हैं, थ्योरी में किस किस टाइप का थ्योरी में पढ़ाते हैं। इसमें पहले हम लोग पाइपलाइन का विभिन्न प्रकार जो धातु का पाइप होता है और डिटेल्स बताते हैं, जो कि विभिन्न मटेरियल का होता है, पाइप का ओडी आईडी चेक करने का तरीका, उसका अनुसार विभिन्न जो टूल्स होता है हमारा यहाँ सजावट है, विभिन्न का पाइप फिटिंग काम करने के लिए जो टूल्स आएगा, कटिंग टूल्स, हैंड टूल्स, मार्किंग टूल्स, ये सब मेजरिंग टूल्स, ये हम लोग बताते हैं। बेसिकली ड्राइंग, ये ड्राइंग है। हाँ, तो ड्राइंग से उन लोग को काम करने का, ये सऊदी दुबई कतर पाइपलाइन में काम करने की है, ये पाइपलाइन ड्राइंग है, ये ड्राइंग जानना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि ड्राइंग बिना वो काम नहीं कर पाएगा। अच्छा, ये ड्राइंग है और ये भी साइड ड्राइंग है, ये भी ड्राइंग है, पाइपलाइन का ड्राइंग है, क्योंकि पाइपलाइन का ड्राइंग है। और थोड़ा सा सर जानेंगे कि टूल्स के बारे में थोड़ा सा बताइए, टूल्स के बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे कि पाइप फिटर जो काम करेगा एक पाइपलाइन में, वो वेल्डिंग सेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, पाइप में वेल्डिंग होगा, तो ये वेल्डिंग करने के लिए हम लोग दो पाइप जैसे आता है बड़ा बड़ा लंबा पाइप का है, उसको पहले डिग्री बनाना पड़ता है, भी तैयारी बोलते हैं, ये एंगल एज जो बनाएगा, इसके लिए हम लोग ये ग्राइंडिंग मशीन आता है, एंगल ग्राइंडर बोलते हैं, इससे क्या करता है ये बड़ा बड़ा पाइप जो होता है उसका भी तैयारी करेगा वेल्डिंग के लिए, हाँ फिनिशिंग का एज तैयारी, जैसे कि ये देख रहे हैं ये मेरा वेल्डिंग किया हुआ है, इस वेल्डिंग से पहले हमको पाइप का किनारा छीलना, पाइप फिटर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कितना डिग्री में होगा इसके लिए ये सब डिग्री बनाए जाते हैं, 37.5 डिग्री, 37.5 डिग्री जो बोलते हैं इंटरनेशनल नियम है, उसको ये पहले डिग्री बनाएगा, डिग्री बना के दो पाइप को सेटिंग करके देख लेगा सेट हो रहा है कि नहीं, भी तैयारी इसमें वेल्डिंग मेटेरियल भरेगा, ये भी कट होना चाहिए, ये एंगल ग्राइंडर से किया जाता है, ये मेरा कटर ग्राइंडर जो एक्स्ट्रा कटिंग करने के लिए लगेगा, इसके अलावा ये मेरा ट्राइस्क्वायर व राइट एंगल बोलते हैं, 90 डिग्री चेक करने के लिए फिटिंग के टाइम ये देखा जाता है, ये मेरा है टैप्स, टैप सेट में क्या होता है इंटरनल थ्रेड बनाना है जिसको ये टैप सेट लग रहा है, ये मेरा डिफरेंट टाइप का रेती व फाइल बोलते हैं, जैसे कि इससे हम लोग काम कर सकते हैं, ये मेरा मेजरिंग टेप है, स्टील टेप बोलते हैं, ये मेरा पाइपलाइन में इंच सेंटीमीटर मिलीमीटर हम लोग पाइप का जो साइज, जैसे कि ओडी लेंगे है ना, ओडी लेने के लिए और होता है मेरा ये आउटसाइड कैलिपर होता है,
विस्तार भी हम आप चेक करके स्केल से भी हम राख करके जैसे कि इसका ओडी कितना आईडी कितना हम चेक कर सकते हैं। ओडी क्या है? पाइप का जो टोटल बाहरी डायमीटर जिसको हम स्टील स्केल से देख रहे थे ये बाहरी बाहरी हिस्सा को लेंगे तो ये ओडी हो जाएगा। फिर भीतर भीतर हिस्सा से जब माप रहे आईडी हो गया। फिर जब हम इस थिकनेस को चेक करेंगे थिकनेस इस टाइप का थिकनेस चेक कर रहे हैं ये पाइप का थिकनेस जैसे कि ये 8 mm आ रहा है पाइप का थिकनेस हो गया 8 mm। इस तरह से हम लोग बच्चे लोग को सब कुछ सिखाते हैं पाइप का ओडी आईडी थिकनेस। यहाँ पर डिफरेंस टाइप का हम लोग फाइल व रेती बोलते हैं ये जैसे कि है ये राउंड फाइल बोल रहे हैं कोई राउंड काम को फिनिशिंग करने के लिए। फिर देख रहे हैं कि ये फ्लैट फाइल है इसमें भी हम लोग फिनिश कर सकते हैं फ्लैट जॉब को। इसी तरह से डिफरेंस टाइप फाइल आ जा रहे हैं टेंगुलर फाइल आ जा रहे हैं। ये जो है मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है पाइपलाइन में ये इसको प्लम्बर बोलते हैं। ये जैसे वर्टिकल पाइपलाइन जा रहे वहाँ पर वाल पर पाइपलाइन चलेगा तो हमको वर्टिकल चेक करने के लिए ये प्लम्बर हम लोग देसी भाषा में साहुल बोलते हैं इसका यूज हो रहा है। ये जो देख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल चेक करेगा कोई पाइपलाइन में फिटिंग के जब से कि पैरेलल जा रहा है कि नहीं। ये मेरा स्पिरिट लेवल बोलते हैं इससे हम हॉरिजॉन्टल लाइन ये वर्टिकल लाइन चेक कर सकते हैं 45 डिग्री भी इससे चेक कर सकते हैं। ये मेरा स्पिरिट लेवल हो गया। ये सब मेरा लेटर पंच नंबर पंच है पाइप में हम लोग काम करने के बाद आपको पंचिंग करने चाह रहे कुछ लेवल मार्क करने चाह रहे नेम प्लेट लगाने चाह रहे तो ये हथौड़ी चला करके नेम प्लेट बना सकते हैं। ये मेरा लेटर पंच नंबर पंच से ये मेरा आ रहा है कि पाइप में बाई चांस थ्रेड बनाना है जैसे कि पाइप डाई देख रहे हैं इससे हम लोग विभिन्न साइज का पाइप को जो जीआई पाइप पीवीसी पाइप आता है हमारे पाइप भैंस में पाइप को जैसे रखेंगे रखने के बाद हम लोग पाइप को डाई लगा करके थ्रेड बना सकते हैं। इस प्रोसेस से थ्रेड बन जाएगा जैसे यहाँ थ्रेड देख रहे बना हुआ है तो हम लोग पाइप डाई का यूज कर रहे हम लोग पाइपलाइन में जब काम कर रहे हैं क्या मेनली क्या होता है कि पाइपलाइन में काम करेगा पाइपलाइन में विभिन्न प्रकार के अरेंजमेंट होता है एल्बो होता है टी होता है कहीं पर क्रॉस होता है। इस तरह से पाइप फिटिंग जो सामान है उसको पहले पूरा अरेंजमेंट को फिटिंग जितना लगेगा एल्बो टी क्रॉस रिड्यूसर वो उसको पढ़ाया जाता है फिर प्रैक्टिकल हम लोग आके देते हैं। ये जैसे हाँ वो तो है जैसे पाइपलाइन में वाल्व लगाए कहाँ पर वाल्व कनेक्शन करने हैं वाल्व तो बोलते हैं इससे हम लोग काटिंग करने के लिए यूज करते हैं स्टील काटिंग करने के लिए हैक्सो का यूज कर रहे हैं। ये जैसे स्पेनर हो गया एडजस्टेबल स्पेनर बा हम लोग स्लाइड रेंज बोलते हैं तो इससे हम लोग डिफरेंट टाइप नाट को एडजस्ट करके टाइट कर रहे हैं। ये रिंग स्पेनर है इससे हम लोग साइज स्पेन जैसे कि नाट बोल्ट आता है उसको टाइट कर रहे हैं। हाँ कि अगर मान लीजिए कि इतना अगर लड़के सीखते हैं तो प्रैक्टिकली अगर ये सब करते हैं तो क्या लगा फील्ड में जाकर वो क्या प्रैक्टिकल कर सकते हैं मतलब फील्ड में जॉब कर सकते हैं? हम लोग इतना अरेंजमेंट करके यहाँ पर प्रैक्टिकल देते हैं हम लोग को वर्कशॉप में ज़्यादा चलता है क्लास। ये मेरा वर्कशॉप है प्रैक्टिकल शॉप है स्टूडेंट को ज़्यादातर वर्कशॉप से अगर हम परिचिति करते जैसे कि कम पढ़ाई लिखाई 7 pass 8 pass स्टूडेंट है जिसका इंग्लिश उतना नहीं आ रहा लेकिन वो पाइप फिटर में जाने चाहेगा तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं वर्कशॉप प्रैक्टिकल ज़्यादा जाते हैं जिससे कि वो देख करके सारा चीज़ को पहचान कर जाए क्योंकि विदेश में जाने से पहले उसको टेबल टेस्ट पास करना पड़ता है। टेबल टेस्ट में इसी तरह से टूल्स परिचिति मेजरमेंट परिचिति पाइपलाइन का ड्राइंग देखना आदि ये लोग को जानना पड़ता है। अगर ठीक से ड्राइंग बोल पाया तो भी वो सिलेक्ट होता है तो हम लोग ड्राइंग को अच्छे से बताते हैं फिर प्रैक्टिकल अच्छे से कराते हैं जिससे कि बच्चा सक्सेस हो जाए। थ्योरी में क्या आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में बताते हैं? नहीं, विभिन्न तरह के स्टूडेंट आता है जैसे कि हम खुद बंगाली है बंगला भाषा में मेरा बंगाल आसाम त्रिपुरा का स्टूडेंट आ रहा है बंगला में बोल रहे हैं फिर कुछ स्टूडेंट साउथ से आ रहा है उसको हम इंग्लिश मीडियम से पढ़ा रहे हैं जो हिंदी एरिया से बच्चे आ रहे हैं हिंदी मीडियम से पढ़ाया जा रहा है इस बेस में हम तो बहुत मदद कर देते हैं। लड़के सेटिस्फाई होते हैं लड़के का अच्छा ट्रेनिंग करने के बाद में लड़कों लोग कहाँ पर जॉब मिलता है कहाँ पर उन लोग इंडिया में गलत क्या है? इंडिया में भी बहुत सा जगह है जहाँ पर पाइपलाइन का काम चल रहा है स्टील प्लांट जहाँ से है वहाँ तो पाइपलाइन का जरूरत ही है वहाँ पर वाटर लाइन में हो स्टीम लाइन में हो वहाँ पाइप फिटर का जरूरत पड़ रहा है। इसके अलावा हमारा गल्फ कंट्री बोल रहे हैं सऊदी दुबई कतर आदि स्टेट में जहाँ पर सिर्फ पाइपलाइन से ही काम चल रहा है तेल गैस आदि जा रहा है वहाँ तो पाइप फिटर बहुत बहुत वैकेंसी आता है। इसके लिए स्टूडेंट जो मैट्रिक पास इंटर पास के हम बोलेंगे आए पाइप फिटर सीखिए एवं ये अच्छा जॉब है विदेश जाने के लिए आसानी सिस्टम है पासपोर्ट रहेगा तो आसानी से विदेश जा सकते हैं एवं यहाँ पर अच्छा प्रैक्टिकल मिलेगा एवं मेरा खूब 20 साल का अनुभव है हम विभिन्न प्लांट में काम किए हम बच्चे से अच्छे से सिखाएंगे एवं वो अच्छे से एक पाइप फिटर बन के जाएगा यहाँ से।
चलिए ये थे हमारे सुकई साहब जो कि बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, डिस्क्रिप्शन किया आपको प्रैक्टिकल के बारे में, जो टूल्स है पाइप फिटर और फैब्रिकेटर का जो टूल्स है उसके बारे में आपको बताए, और जो स्टूडेंट लोग आते हैं कहाँ कहाँ से आते हैं, किस कैटेगरी के स्टूडेंट आते हैं उसके बारे में बताए, और जॉब कहाँ कहाँ मिलेगा। वाकई में आप अगर इस ट्रेड को सीखते हैं, पाइप फिटर फैब्रिकेटर को सीखते हैं, तो सबसे ज़्यादा जॉब मिलता है इंडिया में, गल्फ में, दोनों जगह में इसका सबसे जॉब ज़्यादा इसका मिलता है। दोस्तों इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए, और ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है 9334820330947130828285, ये दोनों नंबर व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पर चैटिंग करके डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं, फ़ोन करके भी डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट है, आप उसमें विजिट कर सकते हैं www.gtijsr.com, उसमें भी विजिट करके डिटेल जानकारी ले सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए, और गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, जो बंदे नए देख रहे हैं सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें क्योंकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। इसी तरह से वीडियो को देखते रहे, वीडियो को इतना वायरल कीजिए कि जो बंदे को जरूरत है, वाकई में वो ट्रेनिंग करने आना चाहता है गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि झारखंड जमशेदपुर रोड नंबर 7 मानगा आजाद बस्ती में है, आप नंबर में फ़ोन करके डिटेल जानकारी ले सकते हैं। और वीडियो को इतना वायरल कीजिए कि हर कोई बंदा आकर के सीखना चाहता है, यहाँ पर सीखे और ट्रेनिंग ले, अच्छी ट्रेनिंग ले, और जॉब अगर करना चाहता है तो इंडिया में गल्फ में इसका बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, सैलरी भी ठीक ठाक है। और इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।